तो 9th क्लास की प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न पूछा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। पहला आप देख सकते हैं 2 -√5, ये क्या दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका रीज़न क्या दोस्तों, आप उस रीज़न को समझते हैं, कभी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्याओं में से अगर हम अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं तो हमारा परिणाम क्या निकलता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या निकलता है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। दूसरा मैं बात करूं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, 3 +√23 है, फिर माइनस, फिर √23 है। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 3 +√23, फिर उसके बाद माइनस, फिर √23। तब से भी जानते हैं कि प्लस का √23 फिर माइनस का √23, ये दोनों एक ही जैसे हैं दोस्तों, और एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। यह क्या दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है दोस्तों, यह परिमेय संख्या है। कारण की मैं बात करूं दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को पी और क्यू के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप इससे देख सकते हैं दोस्तों कि जो 3 है, ठीक है, अब इस 3 को कुछ नहीं, नीचे 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये पी क्यू के फॉर्म में है। इस वजह से ये क्या दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आगे आप इसको देखेंगे कि आगे किस तरीके से आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये भी क्या दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको पहले साधारण भाषा में लिख देते हैं। ठीक है, 2 √7, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 √7। ठीक है, तो 2 ऊपर है 2 दोस्तों, √7, नीचे 7 √7। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, √7 और √7 है दोस्तों वो कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 2/7। क्या बचेगा दोस्तों, 2/7। तो 2/7 है दोस्तों वो क्या है, ठीक है, 2/7 है वह एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, ठीक है, यह एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों हो दोस्तों, क्योंकि ये पी और क्यू के रूप में है। क्या दोस्तों, पी और क्यू के रूप में, 2/7 क्या दोस्तों, पी और क्यू के रूप में है। मैंने बताया कभी भी, ठीक है, पी और क्यू में रहता है वो क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 √2/, ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, यह एक अपरिमेय, ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। कारण की मैं बात करूं दोस्तों, कारण को आपको यहां पे समझना होगा। जैसे 1/√2 है, तो ये क्या दोस्तों, 2 क्या है, एक अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होने की वजह से क्या दोस्तों, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि कभी भी, ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या और बटे में अपरिमेय संख्या हो, तो इसका जो परिणाम निकलता है वो क्या निकलता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे कि 2 और π है, ठीक है, 2π है, तो यहाँ पे क्या लिखें दोस्तों, यह क्या है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। कारण देते हैं दोस्तों, ठीक है, कारण भी आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, पाई, तो पाई क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस वजह से 2π क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। आप इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आप ये लिखेंगे कि कभी भी परिमेय, क्योंकि 2 एक परिमेय है, परिमेय गुना अपरिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या को गुना करते हैं अपरिमेय संख्या से, तो परिणाम क्या निकलता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी तरीके से आप
परिमेय अपरिमेय बता दीजिए और उसके साथ साथ आप इसके कारण भी लिख दीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके, नमस्ते एंड बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा।